एग्जामिनेशन हॉल्स काफी बड़े बड़े होते हैं क्योंकि एग्जाम्स देने के लिए बड़ी तादाद में बच्चे आते हैं। क्लासेस हम ले या ना ले, लेकिन एग्जाम सभी को देने होते हैं। क्लासेस नहीं लेंगे तो इंटरनेट का जमाना है, नेट से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम्स भी नहीं दिए तो करियर खराब हो सकता है, तो एग्जाम्स तो देने ही होते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिन बड़े बड़े ऊंची ऊंची छतों वाले एग्जाम्स हॉल्स में स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, उन ऊंची ऊंची छतों की वजह से स्टूडेंट्स के एग्जाम्स में मार्क्स कम आते हैं। नमस्कार, मैं हूं शेख जोया, आप देख रहे हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट गजब की बात। जी हाँ, एग्जाम्स हॉल्स की बनावट का एग्जाम के रिजल्ट पर असर पड़ सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया और डिकिन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में ये सामने आया है कि ऊंची छत वाले कमरों और परीक्षा परिणामों के बीच एक नेगेटिव रिलेशन है। स्टडी में 8 साल तक 15,400 से ज्यादा स्टूडेंट्स के डेटा का एनालिसिस किया गया। इसमें स्टूडेंट्स के एग्जाम रिजल्ट की तुलना उस कमरे की छत की ऊंचाई से की गई जिसमें वो बैठे थे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन और उनके पहले के रिजल्ट्स पर विचार करने के बाद रिसर्चर्स ने पाया कि ऊंची छत वाले कमरों में एग्जाम देने पर स्टूडेंट्स को उनकी उम्मीद से कम मार्क्स मिले। इसके अलावा एक वर्चुअल रियलिटी टेस्ट में शोर और टेम्परेचर जैसी एटमॉस्फेयर से जुड़ी स्थितियों को स्थिर रखते हुए पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग कमरों में रखा गया। उनकी टेंशन के लेवल को समझने के लिए हार्ट बीट, सांस लेने के प्रोसेस और स्वीटिंग की क्वांटिटी का आकलन किया गया। रिसर्चर्स ने देखा कि बड़े कमरे में बैठने से ध्यान केंद्रित करना और कठिन कार्यों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। माना जा रहा है कि कमरे का बड़ा आकार चिंता, तनाव जैसी भावनाओं को पैदा कर सकता है जिससे ध्यान डाइवर्ट होने के चांसेस होते हैं। बड़े कमरों के डिजाइन में खुलेपन की भावना होती है जो स्टूडेंट्स की नॉलेज के प्रदर्शन को अफेक्ट करती है। इससे फोकस और काम करने की क्षमता में बाधा पड़ती है। ये एग्जीबिशन, थिएटर जैसी एक्टिविटीज के लिए सबसे मुनासिब है। और ऐसी अजब गजब बातें जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे थे हमारा स्पेशल सेगमेंट गजब की बात। शुक्रिया।